कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी। आज कर्नाटक में बंद का ऐलान। कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों ने विरोध में बुलाया बंद। कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। मांड्या में धारा 144 लागू, स्कूल और कॉलेज बंद। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने मांड्या के पास कावेरी के जल में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। बंद के आयोजक टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक निकालेंगे जुलूस, सभी वर्ग के लोगों के भाग लेने की संभावना। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। टोल, रेल सेवाएं, हवाई अड्डे बंद करवाने की कोशिश। विपक्षी दल बीजेपी और जनता दल सेकुलर ने किया बंद का समर्थन। ट्रैफिक कंट्रोलर चंद्रशेखर ने बताया, बसों के शेड्यूल और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोग अभी नहीं आ रहे हैं, बस चालू है लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे। पंजाब में किसानों का रेल रोको अभियान। 17 स्थानों पर रेल ट्रैक पर बैठे किसान। आंदोलन की वजह से 23 ट्रेनें रोकी गई, 56 ट्रेनें रद्द। एमएसपी, ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा, अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। किसानों ने रेल रोको आंदोलन के चलते हजारों की संख्या में यात्री परेशान नजर आए। किसानों के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, मोदी सरकार लगातार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। मणिपुर में दो छात्रों की हत्या को लेकर आक्रोशित भीड़ ने सीएम एन बीरेन के पैतृक आवास पर हमला करने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ा। गायब छात्रों की मौत के बाद मणिपुर में एक बार फिर तनाव, भीड़ का हिंसक प्रदर्शन जारी। कल भी इम्फाल वेस्ट में डीसी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और कई वाहनों में आग लगा दी गई। चुनावी राज्यों को लेकर नड्डा ने बुलाई महामंत्रियों की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर होगा मंथन। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आज होने वाली इस बैठक में तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर प्रभारी प्रेजेंटेशन देंगे। चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। पीएम समेत वरिष्ठ नेताओं की सभा को तय करने को लेकर भी होगा मंथन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में टीम पहुंचेगी राजस्थान। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी अहम बैठकें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल 3 दिवसीय यात्रा पर आज जयपुर पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, आयुक्त गण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। अलवर में नारायणी धाम पर चल रहे महासंगम कार्यक्रम में शामिल हुई वसुंधरा राजे, संतों का आशीर्वाद लिया। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो विकास की गंगा बहेगी। मुझे तो विश्वास है कि सरकार हम लोगों की आएगी आएगी, और जब आएगी तो ये सब सड़कें हैं, और सड़कें ही क्या, इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम, और उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करने का काम करेगी। पदयात्रा महासंगम कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। नारायणी माता मंदिर में वसुंधरा राजे ने विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर कमेटी ने दुपट्टा उड़ाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा से मिलने पहुंचे सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमरेंद्र सिंह रंधावा और राजा वडिंग। कल ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए थे सुखपाल खेरा। फाजिल्का CIA स्टाफ के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने आप सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार की खेरा के साथ जो कुछ कर रही है वो सोची समझी साजिश थी। मनप्रीत बादल के लिए विजिलेंस की टीमों की कई राज्यों में छापेमारी। पंजाब के अलावा हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। तकरीबन 64 दिनों से मनप्रीत बादल गायब है। एमपी के हरदा, खरगोन, नीमच के दौरे पर सीएम शिवराज कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। खरगोन में सीएम शिवराज देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन करेंगे। सीएम हरदा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कई योजनाओं की सौगात देंगे। अलीराजपुर में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नीमच में 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन करेंगे सीएम। साथ ही नीमच में भादवा माता लोक के लिए भी भूमि पूजन करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिशों के बीच सीएम केजरीवाल शीतकालीन कार्य योजना की करेंगे घोषणा। शीतकाल के लिए विंटर प्लान का करेंगे ऐलान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, संबंधित विभागों के जरिए दी गई रिपोर्ट के आधार पर अंकुश लगाने के लिए एक शीतकालीन कार्य योजना कर रहे हैं तैयार।
जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। जस्टिन ट्रूडो ने भारत की तारीफ की, कहा भारत का दुनिया में प्रभाव, कैनेडा भी रखना चाहता है घनिष्ठ संबंध। ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि निर्जर मामले पर भारत से बात करेगा। दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास बंद, विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी के जरिए दी गई जानकारी, चिट्ठी की सत्यता की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही दूतावास चलाने में पैसों की कमी हो गई थी, खबर यह भी है। अफगान एम्बेसी के डिप्लोमैट अलग अलग जगहों पर राजनीतिक शरण ले रहे हैं। अहमदाबाद में आज आरएसएस की संगठनात्मक बैठक, संघ प्रमुख करेंगे शिरकत, आज से 1 अक्टूबर तक होगी संगठनात्मक बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुजरात में संघ की गतिविधियों से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आज दिल्ली में प्याज संकट पर अहम बैठक, महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल होगा शामिल, प्याज व्यापारियों की मांग पर लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में प्याज व्यापारियों के बंद और प्याज उत्पादकों के हित को लेकर मंगलवार शाम अहम चर्चा हुई थी। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों की मांग थी केंद्र सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार समिति परिसर में सीधे किसानों से प्याज खरीदे। महाराष्ट्र में मराठा के बाद फिर उठी आरक्षण की आवाज, धनगर समाज को लेकर होगी आरक्षण पर बैठक, आज वर्षा बंगले पर मंथन। इस बैठक में सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ धनगर नेता और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह वर्षा बंगले पर धनगर नेताओं की सीएम शिंदे के साथ बैठक हुई थी जो नाकाम रही। धनगर समाज आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनशन पर है। वकीलों का आज महासम्मेलन, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, महासम्मेलन में शामिल होने के लिए कई राज्यों से वकीलों के पहुंचने की संभावना, हापुड़ जिले में धारा 144 लगी है। महासम्मेलन को देखते हुए शहर के सभी मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 29 अगस्त को वकीलों पर पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह महासम्मेलन। दिल्ली के भोगल में 25 करोड़ की चोरी मामले में खुलासा, पुलिस ने छत्तीसगढ़ के कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया। हिरासत में लोकेश नाम का कुख्यात चोर भी शामिल, सूत्रों की माने तो बड़ी रिकवरी हो चुकी है। 4 दिन पहले उमराव ज्वेलर्स से दीवार काटकर बड़ी सेंधमारी की गई थी। अहमदाबाद में गांधीधाम पुलिस को बड़ी कामयाबी, कच्छ से आए 80 किलो ड्रग्स को पुलिस ने पकड़ा जब्त, ड्रग्स की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए। आज अयोध्या दौरे पर अनुपम खेर, शाम 4:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे अनुपम खेर, 2 दिन तक रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला देवस्थान पर संतों से भी मुलाकात करेंगे। मुंबई के जुहू बीच पर आयोजित क्लीन थॉन 2.0 में फिल्मी कलाकारों ने शिरकत की, राजकुमार राव ने कहा बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद है अगला चरण जल्द आएगा। क्लीन थॉन आयोजन को लेकर अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने कहा ये एक प्यारी पहल है, शहर की साफ सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, खुशी है कि क्लीनिनेस को लेकर इतने सारे लोग सामने आए। जम्मू कश्मीर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर दिखी रौनक, श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर भारी तादाद में नमाजियों ने नमाज पढ़ी। अवैध धातुओं की तस्करी मामले में एक कार से 300 किलो चांदी जब्त, 2 गिरफ्तार, पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में ONGC गोवा एनर्जी वीक को लेकर समीक्षा बैठक की, बैठक में कई अधिकारी शामिल। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला मेडल, 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में पलक ने जीता गोल्ड, ईशा सिंह ने सिल्वर पर कब्जा जमाया। 50 मीटर राइफल इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड पर निशाना साधा, स्वप्निल, ऐश्वर्य, तोमर, अखिल की तिगड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। टेनिस में सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष, रामकुमार रामनाथन और साकेत मैनेनी की जोड़ी ने दिलाया सिल्वर मेडल, फाइनल में चाइनीज ताइपे के हाथों मिली हार। थाईलैंड के खिलाड़ी के हाथों पीवी सिंधु को हार, सिंधु ने पहला गेम 21-14 से जीता, इसके बाद सिंधु को 15-21, 14-21 से अगले दोनों सेट्स में हार मिली। गोल्फ में मेडल की ओर आगे बढ़ रही है अदिति अशोक, राउंड 2 के बाद अदिति नंबर 2 पर बनी हुई है, अदिति अशोक के पास 107 पॉइंट्स। एशियन गेम्स का 6ठे दिन स्क्वैश मिक्स्ड टीम इवेंट के सेमीफाइनल में भारत को हार, हार के बावजूद भारत ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। हैदराबाद में टॉय ट्रेन में गणपति बप्पा की विदाई, भगवान गणेश की छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन का वीडियो आया सामने। अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने आसपास के तालाब और नदी में विसर्जित किया गया, हुसैन सागर झील में गणेश विसर्जन को देखने के लिए टैंक बांध पर भारी भीड़ जमा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 100 साल पुरानी परंपरा के तहत आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया, भारी तादाद में लोग शामिल हुए, गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे गूंज उठे।